भाई कैसे स्विच की हूँ मैं यार, मुझे इतनी नींद आ रही है। मतलब मैं अच्छा खासा सोई हूँ, मैं रात में 1 बजे सोई थी, अभी 12:30 बजे उठी हूँ और मुझे फिर भी नींद आ रही है। पहले तो मुझे डर लग रहा है कि फ़ोन गिर जाएगा विंडो के बाहर। यार मैं इतनी पागल हूँ, जब इतनी अच्छी लाइटनिंग आ रही थी मैं इंट्रोडक्शन शूट करना भूल गई, ऐसे बातों में लग गई आपके साथ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज ज़ैबा एंड आई एम ग्लैड यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ। मुझे अभी भी नींद आ रही है बट मैं अभी सो नहीं सकती क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है और फिर मेरे को फ्लाइंग स्कूल भी जाना है, और प्लस मेरी जो फ्रेंड की स्कूटी है वो ख़राब है वो काम नहीं कर रही, वो उसका ब्रेक ख़राब है, उसका एक्सलेटर ख़राब है। कल मैं लेके गई थी, केयरफुली चलाना पड़ा मुझे वो स्कूटी। पहले तो उसका एक्सलेटर ना बहुत वियर्ड है, ठीक है, अगर हो सके तो मैं इसके बाद एक वीडियो डालूंगी जहाँ वो बिना एक्सलेटर ऑटो पायलट पर चलता है, मतलब बिना एक्सलेटर दिए भी वो स्कूटी। अगर तुम्हें रोकना है तो तुम्हें दोनों ब्रेक की ज़रूरत है, तभी वो रुकेगी, ढंग से रुके। आइडल नहीं हो रहा तो वो स्कूटी जाती ही रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक तुम ब्रेक पूरा कस के ना दबाओ, और जबकि तुम्हारे पास एक ही ब्रेक है, और वो ब्रेक दबाओ दबाओ के दबाओ दबाओ के दबाओ दबाओ के मेरी ये उंगलियाँ दर्द करने लगी। कर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बेडशीट कहाँ है। यार मैं ना बहुत आलसी हूँ, मतलब ऐसे मैंने बेडशीट उतारा कि धो दूँ उसको, तो अभी धो के सूख भी गई है बट मुझे डालने में आलस आ रहा है। यार मेरा ना ऐसा डबल चिन आ गया है, मतलब मेरे को यहाँ से दिख रहा है तो मैं उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ कि फक हम इतना रिएक्ट क्यों करते हैं। मतलब ऐसे डेली लाइफ में तो हम 24 घंटे गाली देते रहते हैं, वही वाली हर चीज़ में, एक्साइटेड हो, खुश हो, दुखी हो, किसी को देना हो, तो क्या हो गया अगर गाली निकल गया तो। क्या बोल रही हूँ मैं अभी उठती हूँ, अभी बहुत हो गया, अभी बहुत बातें बना ली, अभी उठूँगी, बेडशीट आपके सामने डालूँगी और खाऊँगी, फिर बेडशीट डालूँगी, फिर आपसे तैयार होकर मिलूँगी, ठीक है। वेलकम बैक गाइस, सक्सेसफुली बिना बेडशीट चेंज किए हम तैयार तो हो गए, हम मतलब मैं अभी थोड़ा खाते हैं, मैंने वैसे खा लिया था, अभी भी थोड़ा सा और खाते हैं। दूसरा बिरयानी है, बिरयानी, आई लव बिरयानी कसम से, मैं रोज़ बिरयानी खा सकती हूँ, रोज़ एवरी डे। तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, अभी बस मेरे को निकलना है, पहले जाऊँगी फ्लाइंग स्कूल, थोड़ा प्लान में चेंज हुआ, पहले फ्लाइंग स्कूल जाऊँगी और फिर जाऊँगी अपना काम करने। इसका सहारा लेके मैंने फ़ोन को खड़ाया था, अभी मुझे मानना है थोड़ा। नाउ लेट्स जस्ट गो, आई विल मीट यू फ्लाइंग स्कूल जाके, और फिर वहाँ से जहाँ भी जाऊँगी आप ऑब्वियसली यार साथ ही में चलोगे। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है चार्जर, देखो बेडशीट तो मैंने डाला ही, वो है चार्जर, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन है। हाँ मैं कह रही थी कि आईफोन है, पुराना मॉडल है, उसका बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं है तो चार्ज चाहिए होता है, प्लस मैं ब्लॉग भी इसी फोन से करती हूँ तो चार्ज ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाता है, तो चार्जर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स गो, चलो। नहीं आना, नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, बस इतना ही दिखाना था तुमको। ये देखो हम आ गए वापस, वही रास्ता वही मंजिल। ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा फ्लाइंग स्कूल अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसके नीचे जो लिखा है ना अप्रूव्ड बाय DGCA, ये होना चाहिए हर एक फ्लाइंग स्कूल, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय DGCA। गो इन फॉर फ्लाइंग स्कूल जहाँ बच्चे कम हो, फ्लीट ज़्यादा हो, फ्लीट मतलब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ज़्यादा हो एंड इंस्ट्रक्टर्स ज़्यादा हो कम्पेयर टू बच्चे, रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर योर टाइम। क्योंकि मैंने जहाँ फ्लाइंग स्टार्ट की थी वहाँ काफ़ी बच्चे थे, प्लस जो भी था, बट दिस इज़ वन मेन क्वालिटी दैट यू नीड टू लुक इन फॉर गुड यू नो कट ऑफ ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और थोड़े डिटेल्स आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको बताती रहूँगी, जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं वो मत करना कभी, तो मैं आपको मेरे मिस्टेक्स तो बताती रहूँगी। मैं आपको बोला था मेरे को जाना है एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए,
तो आई एम गोइंग फॉर दैट नाउ विद दिस पागल, अगर आपको दिख रहा है तो। ये दिख रहा है, ये जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना छोटू सा ATC, हम वहाँ आए हैं तो बड़ा दिख रहा है अब सामने से एकदम। देखो क्या लगता है मेरा कन्विंसिंग स्किल काम आएगा? I mean, you flirt well, so आ सकता है। I didn't flirt, okay? What the hell? वही बोले। I didn't flirt, guys. And we are back. काम तो हो गया। इसको देखो कितना पतला है, सुकड़ सा हड्डी। मैं बहुत मोटी हूँ। चले। अच्छा तूने अपना इंट्रोडक्शन दिया? नहीं यार। I'm nothing yet, so I can't introduce myself. You are nothing yet? कसम से सब हंस रहे होंगे अभी, पता है? अगर मैं डालूंगी ना ये मार्क, कसम सब हंस रहे होंगे। What do you mean by you are nothing yet? I'm just a SPL holder. So? Nothing yet means I haven't accomplished anything which I wish to do yet. तो हाँ मैं अभी flying school में, and मैं जहाँ बैठी हूँ is this small area that we have built for communication purpose, जो हम RT करते हैं, जो हम मैंने आपको पिछले vlog में एक set दिखाया था VHF set, उसके through जो हम अपना traffic control करते हैं कभी कभी, usually तो ATC करता है but कभी कभी हम भी कर लेते हैं as ground, that is tower and we are known as the ground. तो हम कभी कभी कर लेते हैं, सो दिस इज़ वेयर वी सिट एंड डू आर आर्टी फ्रॉम। यहाँ से रनवे दिखता है दोनों उस साइड एंड दैट साइड ऑफ द रनवे, दोनों क्लियरली विजिबल होता है, तो आसान होता है हमारे आर्टी करना। एंड यू नीड टू हैव द लुक ऑफ द रनवे व्हाइल यू आर डूइंग आर आर्टी, क्योंकि एयरक्राफ्ट, अगर रनवे पे कोई भी जहाज हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, यू कैन नॉट लेट अनदर एयरक्राफ्ट लैंड, यू कैन नॉट गिव इवन द परमिशन टू लैंड। आएगा अर्चित पाठक, उसकी मैं लैंडिंग रिकॉर्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये रही सारी एयरक्राफ्ट और यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो ये एयरक्राफ्ट आ रहा है अभी लैंडिंग के लिए। देखो अब क्लियर दिख रहा है, देखो ये एरिया मैंने अपने लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था, जो कि हमारा कैंटीन है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए मिल जाता है जो काफ़ी फुलफिलिंग भी होता है, लाइक प्रॉपर लंच एंड स्टफ़। अभी तो ये मेरे लिए चाय ला रहे हैं 45 मिनट्स वेट करवा के, यस नोट दैट, 45 मिनट्स वेट करवा के एक कप चाय दी है। बता अर्चित कैसी थी लैंडिंग? यार सच सच बताना क्योंकि रिकॉर्ड भी हुआ है। सेकेंड वाली तो यार 3-pointer हो गई थी, बेशक मजा नहीं आया। पहले वाले में भी लड़खड़ा के क्यों आ रहा था यार? वो बर्ड्स थे ना, वो ऑडियंस को दिखाना अपना। हाई, आई वाज हाई। यू वर हाई, नॉट द हाई बट देन आई वाज हाई ऑन अप्रोच। या आई सॉ दैट। नहीं दूंगा, जल्दी दे। नहीं दूंगा, दे ना, ले लो। आई कांट ब्रीथ। अरे यार सीरी, वाओ बेटा, वो टैक्सी ड्राइवर वो तो फुल कर। अब क्योंकि फ्लाइंग तो हो ही नहीं, तो दिल खुश करने के लिए KFC आ गई। शरीर जो खराब हो तो हो, डजंट मैटर, दिल खुश होना चाहिए। ऐसे दे दिया, पहले दे भाई, तू पकड़ेगा नहीं और मैं गिर जाऊंगी तो क्या करे यार, खुशी ही नहीं है जीवन में। आपकी है यार, सॉरी यार, अभी तक भी बेडशीट नहीं चेंज किया, बट बिग बॉस जरूर देख लिया। तो इफ यू डोंट वॉच बिग बॉस, गो वॉच बिग बॉस, इट्स फन। अब मेरे को नींद आ गई, बाय। So this was it for today. Thank you so much for watching, and to all those who made sure to subscribe to my channel, बहुत प्यारे हो आप लोग, शुक्रिया। और जिसने नहीं किया है आप भी प्यारे हो यार, तो जाके कर दो अभी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, बस और क्या बोलूँ, ठीक है, ओके बाय।